अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हो आप? सब ठीक हो? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, और मुबारक हो आपको तीसरा रोज़ा, और मुबारक हो आप सबको माहे रमज़ान। ओके, आज तीसरा रोज़ा था, तो आज आपको बताता चलूँगी। यार, आप लोग रोज़ा रखते हो, अच्छा, अच्छी बात है रोज़ा रखते हो, लेकिन रोज़ा रख के सोया मत करो। थोड़ा थोड़ा कोशिश किया करो कि आप अपनी रूटीन चेंज करो। माहे रमज़ान का मतलब ये होता है कि आपकी रूटीन जो डिस्टर्ब हुई हुई है वो बिल्कुल परफेक्ट हो, ठीक है? उसमें आपकी नमाज आ जाती है। वैसे हम पूरे साल, मैं और हम सब, लाइक जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी और मैं भी, हम लोग जो हैं गुनाहगार हैं और हम लोग नमाज नहीं पढ़ते। लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप रमज़ान आते हैं तो हम लोग नमाज की पंचुअलिटी करते हैं। नमाज जो हम पे फ़र्ज़ है तो हमें नमाज पढ़नी चाहिए, ठीक है? और उसके बाद जो सेकंड चीज़ है, सेकंड चीज़ जो है वो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। तो रोज़े से हम लोगों की हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है। और आप रोज़े की डिटेल देखें, जब हम खाना नहीं खाते और हमारा जो है मैदा खाली रहता है, तो इससे भी हम लोगों की बहुत सारी बीमारियां ख़त्म होती हैं। लाइक चलो वो तो अलग बात है, लेट्स अवॉइड। मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि मैं काफ़ी टाइम से जॉबलेस था, और मैं सोच रहा था कि यार मुझे जॉब नहीं मिली, जॉब नहीं मिली। फर्स्ट रोज़ा था, और मैंने सोचा कि यार अब मैं भी शायद 6 मंथ से जॉबलेस हूँ, क्योंकि ऑपरेशन के बाद मैं कोई जॉब नहीं कर रहा था, और मेरा वेट जो था वो थोड़ा सा बढ़ चुका था। तो अब ऐसा हुआ कि मैंने कल ही दुआ मांगी थी, मैंने कहा कि या अल्लाह, मैंने कुछ लोगों के कुछ पैसे देने थे, थोड़े थोड़े से थे, तो मैंने कहा कि यार या अल्लाह आप इज्जत रख लेना, और जॉब तो है नहीं राइट नाउ, तो मैं कैसे मैनेज करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कल ही पता नहीं चला, एक दोस्त की कॉल आई और उसने मुझे कॉल करके कहा कि यार क्या कर रहे हो ये वो। तो बस वो कुरान मजीद पढ़ रहा था, और मैंने उससे अपनी सिचुएशन शेयर की कि मैंने कहा यार आई एम जॉबलेस राइट नाउ, आई डोंट हैव जॉब, मेरे पास कोई जॉब वगैरह नहीं है। तो उसने मुझे कहा कि चलो ठीक है, अपनी सीवी वगैरह भेजो। उसने मैंने अपनी सीवी भेजी, और जो मेरी होप, लाइक मैं एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रख रहा था कि मेरी सैलरी इतनी अच्छी होगी, बस आज मेरा इंटरव्यू, इंशाल्लाह 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 आज मुझे कॉल आएगी। 2 कॉल्स हो चुकी हैं, दोनों में मैं सिलेक्ट हूँ, आखिरी ये कॉल रह गई है। वीडियो बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला आपको कहीं ना कहीं से, आपके अच्छे अमाल के थ्रू, आपको कहीं ना कहीं से नवाज देता है। तो मुझे भी एक अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी हुई है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने चाहा तो वो हो जाएगी डन। और 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट जॉब पे है ये मेरी, कॉन्ट्रैक्ट पे है जॉब, यार उसकी सैलरी औसम है, बहुत अच्छी, अल्लाह का शुक्र है कि सैलरी है, मैंने सोचा भी नहीं था। और इंशाल्लाह ये मेरा एक न्यू टारगेट अचीव होगा कि मेरे छोटे छोटे गोल्स होते हैं, जब मैं कहीं जॉब करता हूँ तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल कि 50 में कहीं जॉब की तो फिर 60 होनी चाहिए, 70 80 90, लाइक इस तरीके की ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी पैकेज के साथ होगी ये जॉब मेरी, और जब होगी जॉब तो मैं वापस एक व्लॉग डालूंगा। बाकी अदरवाइज़ आपको तीसरा रोज़ा जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला से मांगो यार, अल्लाह ताला आपको बहुत देता है। लाजमी नहीं होता कि आपके पास हर चीज़ है, आपके पास हर चीज़ मौजूद है, आप पे कपड़े हैं, जूते हैं, ये वो फलान ढिमका, इंगड़िम बिगड़िम टिगड़िम टिगड़िम, यू नो, तो काफ़ी सारी चीज़ों की आपको नीड होती है। लाइक आप जो अफर्ड कर सकते हो, आप राइट नाउ आपके जो सर्कल में आप जो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हो वो अमाउंट से आती है, उसको आपको ख़रीदना पड़ता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जब आप उन चीज़ों को अपने पैसों से ख़रीदो, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है? बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना यार, नमाज की पंचुअलिटी रखना, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, और अल्लाह की राह में नेक काम करते रहो। और बस मेरा यही छोटा सा मैसेज है, ओके? बाकी अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। तीसरा रोज़ा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और थैंक यू यार आप लोगों ने दुआ की थी। देखो दुआओं के सदके अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी बदल देता है। तो मेरा बैकग्राउंड इतना कोई ख़ास स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे काफ़ी सारी चीज़ों से नवाजा है, और अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में बहुत सुकून पैदा किया है, और सोच भी नहीं होगी कि मुझे इतनी इज्जत दी है, और अल्लाह ताला ने मुझे इतना कुछ दिया है। तो ऐसे ही होता है, जब आप नेकी के काम करते हो तो फिर अल्लाह ताला आपको कुछ ना कुछ तो देता है ना, ठीक है? बाकी अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। व्यूज़ बहुत कम है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक वक्त होगा कि बहुत अच्छे व्यू होंगे, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे। अभी राइट नाउ मेरे ख्याल आई थिंक 1573 सब्सक्राइबर हैं, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द और ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे। बाकी देखो मुझे कल वो PR आया था सामने, मैंने वॉल पे लगाया हुआ है, बहुत अच्छा है।
और मुझे पीआर मिला था। मैंने इसकी वीडियो पिछली लाइक इस ये वाली वीडियो से पहले वाली वीडियो जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, मैंने अपलोड कर दी थी। और ये आई थिंक 2500 रुपीज़ का वो लोग दे रहे हैं। अच्छा, ये तो मैं खुद भी बना सकता था लेकिन मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिला ही है। ठीक है, इसमें चिड़िया उड़ रही हैं और वो फ्रेम है, लाइक अच्छा है। 2500 का उनका एक ऑनलाइन जॉब ऑनलाइन वर्क चल रहा है घर पे, लेकिन ठीक है, मैं बना सकता हूँ इससे अच्छा अपने लिए। हाँ, यूट्यूब चैनल का फ़ायदा ये होता है कि आपको पीआर के लिए छोटी 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 चीज़ें मिलती रहती हैं। और हाँ, अदरवाइज ऐसा भी होता है कि अगर आप कहो कि आपका यूट्यूब चैनल है, मेरे 1000 सब्सक्राइबर से अबव हैं, तो गुड है, तो फिर ये होता है कि उन लोगों को, बाकी में हर बंदे का चैन से चैन मिली होती है। तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं पीआर के तौर पर। और पता है मुझे ये ऑयल भी मिला था मेरे हेयर्स के लिए ना, तो अच्छा था। मैंने इसका भी कुछ किया नहीं है, उनकी अभी प्रमोशन, अभी ये नॉर्मली आया था मेरे पास, मैंने इसे यूज़ कर रहा हूँ, जब अच्छा होगा तो फिर मैं इसका फीडबैक दूंगा। और उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें मुझे मिली थी प्यार में। ये जो मैं लाइट्स जल रही हैं छोटी छोटी सी, ये वाली लाइट्स भी मुझे मिली थी, वो भी मुझे पीआर पे मिला है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, घड़ी थी और छोटी मोटी चीज़ें थी, तो वो मुझे मिली हैं। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखना। बाय मेरे दोस्तों।